और एक तिहाई तो से ज्यादा करें तो पुन चर्चा करेंगे वकील होने के साथ साथ आप तमाम सामाजिक कार्यों पर और तमाम राजनीतिक विश्लेषण हैं तमाम चीजों पर ध्यान रखते हैं चाहे वो चुनावी मुद्दा हो किसान आंदोलन हो या किसी भी प्रकार की कोई भी देश में घटनाएं है होती हैं उन पर सभी पर विशेष रूप से ध्यान रखते हैं वकील साहब स्वागत है आपका बहुत 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 धन्यवाद जी वकील साहब सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक के लिए महाराष्ट्र का जो मामला था सोलह विधायकों का वो टाल दिया क्या कहेंगे इस पर नहीं कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है hmm. उन्होंने रोका क्या है सोलह विधायकों को नोटिस हुआ hmm. जिसका जवाब उन्हें पाँच तारीख तक लगाना था hmm. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है पहले हम ग्यारह को सुनवाई कर लें hmm. आज ग्यारह को जब सुनवाई का नंबर आया तो उन्होंने कहा कि भाई उस नोटिस पे कोई कार्रवाई नहीं होगी hmm. नोटिस पे क्या कार्रवाई होती है कि भाई जवाब दाखिल करना पड़ता है आपको किसी ने नोटिस भेजा फिर आपको उसके ऊपर जवाब भेजना पड़ता है फिर अगर वो उस नोटिस के जवाब से संतुष्ट नहीं होता तो वो उसके बाद कार्रवाई करता है जो भी जवाब देंगे उसके हिसाब से कार्रवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा है कि भाई नोटिस पे कार्रवाई नहीं होगी इसका मतलब जवाब दाखिल करने के लिए वक्त दे दिया गया और सरकार वहाँ बनी गई आप देख ही रहे हैं और ये इनके इन प्रकरण बस दो ही चीज़ें टेस्ट होनी है एक तो जो फ्लोर टेस्ट है उसके पास मेजोरिटी होनी चाहिए जो सरकार है और दूसरी ये कि ये जितने लोग टूट के गए हैं ये दल दल बदल कानून से प्रभावित न होते हों इनकी सदस्यता खतरे में न पड़ती हो तो, जब महाराष्ट्र के बाद अब गोवा में भी विधायकों की खरीद फरोख्त की बात चल रही है हाँ नहीं देखिए ये बात तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि गोवा महाराष्ट्र उससे पीछे मध्य प्रदेश उससे पहले कांग्रेस राज में भी ऐसा होता रहा है तो भारत जो है नया नया आजाद हुआ और भारत जो है है तो सभ्यता बहुत पुरानी लेकिन एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में आप जन्मा पंद्रह सन सैतालीस को नया नया से नहीं नहीं क्या मतलब है देखिए आपने जो व्यवस्था चेंज की आप गुलामी से आजादी में आए तो ये व्यवस्था जब चेंज हुई तो आप बदल गए आप नए हो गए आप गुलाम के रूप में जन्मे गुलाम के रूप में रहे गुलाम ये जब मुक्ति पाने के लिए संघर्ष किया और जब आप आजाद हो गए तो हम ये आज़ादी के जो आत्मसात करने की दर थी ना ये हमारे यहाँ शुरू से ही इस बात के लिए बिगड़ी थोड़ी और अब तो ये समझिए कि पहले दिशा गलत थी पर गति जो है वो कंट्रोल में थी वही बात आ गई कि दो बाद आजादी अब तो दिशा तो गलत है ही है गति बहुत तेज हो गई है इतनी तेज हो गई है कि अगर दिशा सही भी होती तो भी एक्सीडेंट का चांस था लेकिन अब तो गलत दिशा में बहुत तेज रफ्तार से हम जा रहे हैं भारत का पूरा का पूरा वो सपना जिसे आप भारत कहते हैं जिसके लिए संविधान बनाया गया जिसके लिए आपने जो है पंद्रह अगस्त को आज़ादी का दिन मनाया वो भारत अगर हम इसी रास्ते पर चलते रहे तो हम को बांधे रखने वाली ताकतें अब कमज़ोर हो रही हैं और अखंड भारत की बात करने वालों के कर्मों से हो सकता है कि इसी पीढ़ी में भारत के खंड हो जाएं। वकील साहब 2014 के बाद ये रफ्तार बढ़ी अब आप बहुत तेज बहुत तेज रफ्तार बढ़ी 2014 तो के बाद जी देखिए बहुत महत्वपूर्ण फैसले बिना जनता को और जनता के नुमाइंदों को विश्वास में लिए मैं एक उदाहरण दे देता हूँ जब प्रधानमंत्री मोदी ने आके ये कहा रात को आठ बजे के बारह बजे से पाँच सौ कर का नोट बंद तो उन्होंने ये भी पता चला बाद में कि ये किसी को जानकारी नहीं थी कैबिनेट को जब उन्होंने बुलाया इस बात के लिए इन्फॉर्म करने को तो उन्होंने कैबिनेट के लोगों के फ़ोन भी बाहर जमा करा लिए कि वहीं से कोई फ़ोन ना कर दे इस बात के लिए और लोग नोट बदलने में ना लग जाए तो इतनी ईमानदारी दिखाई डाइज जब बनी थी जब ये फैसले लिए गए थे उन बाबुओं को नहीं पता था क्या वो बाबू जो किसी ना किसी इंडस्ट्रीज के पेरोल पे होते हैं जिनसे संपर्क बना के रखते हैं वो वो अफसर उन्हें जानकारी नहीं थी क्या जब पेपर छपने का ऑर्डर दिया गया था उस कंपनी को थी नहीं थी क्या जब वो पेपर छप के आया था वो अनलोड हो रहा था तो उन लोगों को पता नहीं थी कि ये नई मुद्रा के लिए नोट आ रहा है तो सबको मालूम था लेकिन ये हो रही थी कि हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी मोबाइल जमा करवा लिए तो मतलब उनको जानकारी नहीं थी तो ये संवैधानिक व्यवस्था हिंदुस्तान में हम लोग बेकूफ़ लोग हैं तशतरी पर रखें भगत सिंह के जान देने से अगर हमें आज़ादी मिल रही हो तो हम उसकी क्या कदर करेंगे और क्या कीमत समझेंगे अच्छा बीच में अभी चर्चा हुई थी कि किसी भी विधायक की खरीद फरोख्त नहीं होगी लेकिन फिर भी हो रही है किसने कहा था कि नहीं होगी काफी बार चर्चा हम उठी कौन, कौन उठा रहा, कौन रहा है कांग्रेस के समय पे बहुत चर्चा थी कि नहीं उन्होंने इसके लिए एक बड़ा प्यारा कानून बनाया जिसका लॉजिक मुझे आज तक नहीं समझ में आया अगर एक व्यक्ति मान लीजिए आपके पास दस है एम और आपकी सरकार है ठीक आप उसमें से एक एम आपका टूट के आपसे चला जाए अलग तो आप उसे पार्टी से निष्कासित मानेंगे उसकी सदस्यता खत्म कर देंगे क्योंकि उसने एक गलती करी है लेकिन अगर यही गलती चार लोग करेंगे सामूहिक रूप से तो यह वैलिड हो जाएगी यह कानून की कमी है कानून यह होना चाहिए था कि कानून मेरे इलेक्ट करने से पहले कोई सेलेक्ट कर रहा है मेरे सामने जब आया कोई आदमी तो बीजेपी के कैंडिडेट के, के, के रूप में आया कांग्रेस के कैंडिडेट के रूप में आया मैंने पार्टी को और कैंडिडेट को देखकर मैंने वोट दिया मान लो मैंने कांग्रेस का आदमी चुन लिया और वो कांग्रेस वाला चला गया उसके बाद यह शिवसेना का चुन लिया और वो चला गया बीजेपी में तो, तो गद्दारी तो मुझसे कर रहा पहले वो मेरी नुमाइंदगी से इस्तीफा दे दूसरी पार्टी ज्वाइन करे और उसके बाद इलेक्शन लड़के आए तब तो बात समझ में आती है पर वही ना नक्टी देवी यूथ पुजारी हिंदुस्तान को लोकतंत्र के और संविधान के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी और डेवलप करने में टाइम लगा तो हमने ऐसे कानून के बनाने के बाद ये कर दिया एक करे तो गुना और एक तिहाई से ज़्यादा करें पुन्य साहब इसमें संशोधन होने की जरूरत है कहीं ना कहीं अब संशोधन करने वाली बात जो है वो है संसद में और संसद में बैठी है हेमा मालिनी उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि देश कैसे चल रहा है कैसे नहीं, हेमा पे होता है, सके? नहीं कई बार कंगना कंगाराना क्या नहीं मेरी प्रिय नहीं है बस ये है कि रिश्ता समझ लो भाभी लगती है जाटनी है वो भी अच्छा भाभी कहते हैं जाटनी है वो भी तो मैं तो भैया से भी नाराज़ हूँ कि भैया तुम ये बताओ तुम राजनीति में क्या कर रहे हो धर्मेंद्र किसानों पे कुछ बोला क्या धर्मेंद्र फिल्म में बनाता है अच्छी फिल्म है करता मैं भी उसका फैन रहा हूँ प्रतिज्ञा तो जैसी फिल्म मैंने कम से कम सौ बार देखी होगी शोले जैसी फिल्म मैंने कम से कम मैंने तो बीस पच्चीस बार देखी होगी पर वो फिल्म बनाता है अब उसका महंगा है खर्चा है वो रहे कैसे सुपरस्टार की तरह कैसे रहे तो उसे पैसे चाहिए होते हैं अब फिल्में चलें ना चलें पैसे तो चाहिए ही चाहिए तो वो जो है बीजेपी ज्वाइन करके बीकानेर से इलेक्शन लड़ गए और वहाँ रामेश्वर डूडी की उन्होंने किसान सियासत ख़त्म कर दी भाभी जी मथुरा आ गई और हाफ जाटनी के नाम पे वो भी वोट ले गई उन्होंने यहाँ किसानों की राजनीति करने वाले जैन चौधरी को चित कर दिया उधर वो सनी देवल उन्होंने जाके जाखड़ साहब का ही हत्ती का नल उखेड़ दिया और हम पागल से लोग देखो कितना बड़ा भूभाग किसान राजनीति का ये कवर करते हैं और सिर्फ जाट के नाम पे एक परिवार इनके सारे वोट खा जाता है और और क्षेत्रों में भी प्रभाव डालता है और मिलता से क्या है इसके बदले में तीन फिल्मों का फाइनेंस जो कोई भी जैन साहब दे देते हैं फाइनेंशियल जैन है अच्छा भाभी के बाद अब चलते हैं यूपी पर जी यूपी से खबर आ रही है कि काशी अयोध्या और मथुरा की तर्ज पर अब सीतापुर का भी डेवलपमेंट होगा कृपया करके एक बार और दोहराएं दोहराए काशी अयोध्या और मथुरा की तर्ज पर जिस तरह काशी मथुरा और अयोध्या में डेवलपमेंट हो चुका है अब सीतापुर में होगा तो ये जो डेवलपमेंट है इनका मैं इससे तो सहमत हूँ इसे ये डेवलपमेंट कह रहे हैं लेकिन उससे पहले ये उखाड़ पछाड़ आंदोलन गोली लोगों का मरना उसके बाद सामाजिक सांप्रदायिक नफरत फैलना उसके बाद वो उसके अंदर कुछ निर्माण करेंगे अयोध्या में तो वहां तो हो गया अयोध्या में काशी में भी हो गया मथुरा बाकी है विष्णु स्तंभ दिल्ली में मेहरौली में बाकी है अब ये सीतापुर में क्या ढूंढ के लाए हैं टेल टेल वहां ऐसा क्या है कि जिसे जिससे उन्हें नहीं इन्होंने आपने ये नहीं कहा वहां विकास विकास करना तो सरकार का सब क्षेत्रों में उसका फर्ज है आपने कहा काशी मथुरा अयोध्या की तरह तो पहले तो यहाँ पे भाई उखाड़ पछाड़ होती है तो सीतापुर की उखाड़ पछाड़ भी देखेंगे सीतापुर वालों के लिए दुआ करेंगे भगवान करे के ज़्यादा काट ना मचे और सांप्रदायिक तनाव भी ना ज़्यादा फैले श्रीलंका के जो राष्ट्रपति भवन में उपद्रवी घुस गए वहाँ आगजनी भी की है और पापी को उसको कैसे देखते हैं देखिए वहाँ तो वो घुस गए और उन्होंने ऐसा कर लिया ये उनका आक्रोश था और व्यवस्था को बदलने का उनको ये एकमात्र तरीका शायद समझ में आता था तो उनका सारा का सारा क्रोध जो है वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पर उतर गया पर व्यवस्था तो चलेगी कोई को एंटर प्राइम मिनिस्टर भी आएगा प्रेजिडेंट भी आएगा भारत के हिसाब से अगर इस चीज़ को देखो तो भारत के साथ एक और बड़ी मुसीबत है वो, क्या? वो ये है कि वहाँ जो दो पक्ष थे जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ खड़े हुए थे पहले वो समाज का जो वर्ग था वो समाज का वर्ग इस वक्त खामोश हो गया उस वक्त वो डरा दम दबा रहा था धमका रहा था अब ये विरोधियों ने कर दिया है और भारत में अगर ये हालात बने तो यहाँ पे इतनी भयंकर टक्कर होगी इतनी भयंकर टक्कर होगी कि अगर ज्योग्राफी के हिसाब से भूगोल के हिसाब से बताऊँ तो जैसे एशियन प्लेट से ये इंडियन प्लेट टकरा के हिमालय बना था ऐसी सी ब्लेंडर होगी इतनी बड़ी ऐसा कह संभव बात अरे आप एक मोदी जैसे प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं योगी जैसे सीएम बैठे हुए हैं जिनसे लोग नाम से कांपते हैं और आप ऐसे कहते हैं कांपते क्यों मलेरिया के मच्छर हैं क्या इनके न... देखा नहीं कल नमाज पे योगी जी के फरमान पर कहीं भी बिल्कुल अमन शांति से सड़कों पर कोई नमाज नहीं हुई कोई माँ वो दंगा फसाद नहीं हुआ कुछ भी नहीं हुआ वो पहले भी नहीं होता करवाया जाता था करवाया जाता था, करवाया जाता था। वो अपनी नमाज अदा करने जाएंगे या दंगा करने जाएंगे अपने बच्चों को लेके यार क्यों मूर्खता की बातें करते हो साल भर का त्यौहार है मैं अपने बच्चों को मिला जुला के नए कपड़े पहना के अपने साथ नमाज पढ़ाने ले जा रहा तो मैं अपने बच्चों को वहाँ पे दंगे की जगह पे मरने ले जा रहा हूँ क्या वो क्यों करेगा दंगा दंगा करवाने वाले अलग, अलग अलग लोग हो सकते हैं हो सकता है प्रशासन का यूपी में इतनी शांति व्यवस्था रही कहीं ना कहीं योगी जी हमारे घट की सी शांति हो गई थी लॉकडाउन में, में मेरे दोस्त वो सन्नाटे में गूंजती चीखें आपके कान बंद हो गए थे जब हजारों लाशें कानपुर में और इलाहाबाद में लोगों की सिस्की नहीं निकल पाई शांति तो हो गई है वो फिल्म याद है शोले अहमद मियाँ गैमर और इमाम साहब ऊपर से उतर के आए तो उन्होंने क्या डायलॉग बोला था जब पूरा गाँव खड़ा होता है इतना सन्नाटा क्यों है मेरे भाई ऐसे ही सन्नाटा हिंदुस्तान में गब्बर सिंह कौन मरना चाहेगा मेरे दोस्त मुंह खोलो बुलडोजर बुला लो तुम बोलना चाहोगे बुलडोजर का आपने देखा नहीं बुलडोजर की चर्चा आज पूरे देश में है जोर जोर उसके साथ चर्चा पूरी तो क्या करो कि कानून का ऐसा बलात्कार हिंदुस्तान में मोदी है तो मुमकिन है आपको पहले से पहले फाइनल डेस्टिनेशन बता के अभी से जेल चले जाए